लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस पूरे संसार में और यहां रहने वाले प्राणियों और उनके बीच में अगर शांति है तो उसका एक ही कारण है, वो है उनके आपस का प्रेम। ये प्रेम एक माँ और बेटी के बीच हो सकता है, रिश्तेदारों के बीच हो सकता है, दोस्तों के बीच हो सकता है, प्रेमियों के बीच में भी हो सकता है। ऐसा प्यार जवानी में 20 साल की उम्र में जब एक लड़का और एक लड़की के दिल में जो प्यार का एहसास जागता है, वो प्यार बहुत मीठा होता है। सोचकर बहुत खुशी होती है। पूर्व भारत के कलकत्ता नगर में पैदा हुआ ये सिद्धार्थ रॉय और कोना सीमा में गायकानू नाम के गांव में जन्म लेने वाली इस मधुमति का भगवान ने फैसला करके रखा हुआ है। इन दोनों की स्थिति चाहे अलग हो, रिवाज अलग हो, समुदाय अलग हो, भाषा अलग हो, लेकिन इन दोनों को एक करने के लिए भगवान ने एक रिश्ता तय किया है। वो रास्ता है प्रेम। ये नादान बच्चे आगे जाके प्रेमी बन जाएंगे। इन दोनों के बीच प्रेम कहानी होने वाली है। आगे चलकर ये दोनों कैसे मिलेंगे, इस कहानी में यही दर्शाया गया है। दोनों एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर है, तो कब ये एक होंगे, कब एक दूसरे को चुम्बन देंगे, आइए देखते हैं। इसे देखो कितना अलग है। कौन सा, ये वाला सर? नहीं, वो ऊपर वाला। हाँ, वही। देखो
ए बिजो, सारा कॉलेज छान मारो, किसी को मत छोड़ना, खास कर उस सिद्धू को। जा। अरे उसका नाम है सिद्धू सिद्धार्थ राय, उसने बंगाल टाइगर भी बोलते हैं भाई। अच्छा बंगाल टाइगर, क्या टाइगर। अरे हाँ, उसको बोला था ना, नहीं किया उसने। चल चलते हैं। ए मार 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 मार। अरे बे एनर्जी, पकड़ पकड़। क्या शॉट मारा है। सही है, सही है। उसका मूड कैसा हो रहा है। अरे देख तो, लगी खेलना। तू कॉलेज में देख, मैं ग्राउंड में देखता हूँ। चल चल चल, देखते हैं। हाँ सच में यार, पता नहीं यार क्यों नहीं आया, पता नहीं कहाँ है। भागो भागो। ए पकड़ो यार। नहीं किया। अब पकड़ो। इधर यहाँ से। अरे पकड़ो। ए घेरो घेरो। ए उधर से। इधर से। छोड़ दे। छोड़ दे। सिद्धू इधर आ। मारो मारो। इधर को इधर लाओ। लाओ से। इधर सिद्धू बताओ। बताओ। आ सिद्धू। ए बताओ। सिद्धू, गोरख के आदमियों ने हमारे कॉलेज के लड़कों को बहुत मारा यार। सिद्धू कहाँ है, सिद्धू कहाँ है, ऐसा तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। अगर तुम मिल गए तो तुम्हें काट काट के कीमा बना देंगे। मैं क्या कहता हूँ, ये शहर छोड़ के चले जाओ। ये लो, ये बैग ले लो, मैंने जो कहा वो समझे ना, अब जाओ। ए सिद्धू, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। नमस्कार गोरखदा। नमस्कार, पहचाना मुझे? आपने मेरे बारे में सुना है लेकिन मुझे देखा नहीं है। और अभी जिसे आप ढूंढ रहे हो वो सिद्धू सिद्धार्थ रॉय है, मैं हूँ। ओए मुन्ना, दो चाय देना। ला रहा हूँ भाई। दादा बात यह है कि हम हमारे कॉलेज के मामले में किसी बाहर के आदमी को नाक नहीं डालने देते। उस दिन आपके लड़कों को यही बात समझाने की बहुत कोशिश की। दादा बात सुनना छोड़ो, हमारे सामने स्टूडेंट्स को मारने लगे। आपके लड़कों को रोकने के लिए हमें उन्हें मारना पड़ा। दादा जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। गोरखदा आज अभी यहां, हम ये खेल शांति से खत्म कर देते हैं, नहीं तो इसका अंजाम क्या होगा आप जानते हैं, सोचिए। ए सिद्धू को देखा रे? नहीं, कहीं नहीं देखा। तेरे बारे में बहुत सुना है शाने। ज्यादा छड़ा मरता है। देखता क्या मार? क्यों मारता है? तुम लोग वहां जाओ, चलो मेरे साथ। आज आप सुनेंगे राज कपूर के गीत, मुकेश की आवाज में। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। हट रे, हट रे, हट रे, रास्ता दे।
अरे हटो 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 हटो। हाँ वो मंदिर के पीछे जो एड्रेस है ना, आपको वहीं पर आना है जी। अब जल्दी से पहुंचिए। हाँ मैं भी बस पहुंच ही रहा हूँ। हाँ हाँ वो पुल के पास। क्यों रे, सिद्धू मिला नहीं क्या? अरे नहीं, क्या है ना, मैंने पूछा था महेश। मेरे आदमी को मारा। बाबू क्या खराब कर दिया तुमने, अब हम क्या भेजेंगे बेटा और क्या खाएंगे, पूरा बर्बाद कर दिया, कौन देगा पैसा आपको? माफ कर दीजिए। धन्यवाद। इतिहास की शुरुआत आग से हुई, आग शक्ति है, आग जिंदगी है, तुम सब में एक चिंगारी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। जो बुराई पास आएगी जल जाएगी, जो पाप करीब आएगा जल जाएगा। तुम सब शोले हो, मशाले हो, जलते रहो, जलते रहो, जलते रहो।
तेरे कदमों के निशान। इतिहास को बदला पहिए ने, पहिया घूमता है, दुनिया आगे बढ़ती है। तुम्हें भी एक दिन इतिहास बदलना है, देश को आगे बढ़ाना है। तुम सब आने वाले कल की सांसें हो, तुम सब आने वाले कल की धड़कन हो। तुम रुक नहीं सकते, थम नहीं सकते, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। अरे जो कार स्टेशन गई थी वो अभी तक नहीं आई, इस बात की टेंशन हो रही है। और तुम क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से। ए, मेरी बेटी कहाँ है? मेम साहब नहीं आई। नहीं आई? अब एक गधे, आज ट्रेन से आएगी कहा था, अच्छे से देखा क्या? मैंने अच्छे से देखा, वो नहीं आई। नहीं आई लेकिन आज आएगी कहा था। मेरी बेटी आ गई। साहब आइए, साहब आइए, आइए साहब आइए। जैसा मेम साहब ने कहा था, पूरे गांव में रक्तदान करवाने की जिम्मेदारी मैंने ली है। ए, मेरी बेटी रक्तदान दे रही वो है। वो वहां पे साहब। मेरी बेटी का फोन लेगा नहीं, मेरी बेटी का फोन निकाला है, उसे वापस चला, 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 छोड़ दीजिए, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं बात करता हूँ इससे, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा फोन निकालने की, इसे छोड़ो मैं, इसका फोन भी जाऊँगा, तुम्हारा फोन निकालेगा ये, उसका फोन निकालूँगा मैं। काली माता, मेरी प्रार्थना कबूल करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। हे माँ, मेरी सुनो,
मेरा इकलौता बेटा। मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और तुम होगी उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। किसी भी परिस्थिति में मेरे बारे में गलत प्रार्थना मत करना। और नहीं तो क्या पापा, मैं जो मांग रहा हूँ उसके एग्जैक्ट अपोजिट मांग रही है ये। वो बेचारा भगवान, एक ही फैमिली से मुझे ये चाहिए, उन्हें वो नहीं चाहिए। हम सबकी इच्छा एक साथ वो कैसे पूरी कर सकते हैं? मुश्किल होगा ना उनके लिए। तुम ऐसा करो ना, मुराद तो वो मेरी ही पूरी करेंगे। वैसे तुमने क्या मांगा और तुम्हारी माँ ने क्या मांगा? कुछ नहीं पापा, मास्टर डिग्री के लिए मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, ऐसी मैंने इच्छा मांगी है। और माँ ने ऐसा मांगा है कि मैं जाऊँ ही नहीं। असल में आज के समय में सीट मिलना आसान बात है क्या? मेरे पास इतना दिमाग है पर सीट नहीं मिलेगी। कोई भी बीच में आ जाए लेकिन मुझे रोकना तो मुमकिन नहीं है। बोलता हूँ गरम है, संभाल के। ओके डैडी, वीजा के लिए भी अप्लाई कर दिया है। मेरे कनाडा जाकर पढ़ाई करने से आपको कोई दिक्कत है क्या? नो, नॉट एट ऑल। तो फिर तुमको क्यों है? क्या मेरा बेटा फॉरेन जाके पढ़ाई करेगा, मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात होगी। पाँच साल में तेरे बिना कैसे रहूंगी, तूने सोचा भी है? माँ, पाँच साल की तो बात है, सिर्फ पाँच साल। 1, 2, 3, 4, 5 बस हो गया और क्या। माँ, तुम्हारे सेंटिमेंट से तो अच्छा है कि मैं कनाडा में ही पैदा हो गया होता। देखो पापा कितने खुशी से मुझे भेज रहे हैं। माँ, जब मैं पाँच साल तुम्हें छोड़कर रह सकता हूँ तो तुम मुझे छोड़कर पाँच साल नहीं रह सकती हो क्या? ना, मैं नहीं रह सकती। बोलिए ना पापा। यही तो है मदर सेंटीमेंट्स। माँ, सिर्फ तुम्हें नहीं, आखिर मैं कलकत्ता की काली माता भी आ गई तो भी मुझे नहीं रोक सकती है। नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। क्या कहा, और पढ़ना चाहती हो? हाँ। अरे हाँ क्या, हमारे गांव में पढ़े लिखे लड़के कम हैं और जो पढ़े लिखे होते हैं वो घर जमाई नहीं बनना चाहते हैं बेटी। अगर तुम और पढ़ाई करोगी तो हमें दामाद नहीं मिलेगा बेटी। दामाद क्यों? हाँ, गोटी खेलने के लिए। डैडी, ये सब बातें क्यों कर रहे हैं आप? मुझे एमएससी पढ़ना है और ये उसी का फॉर्म है, इसमें आप साइन कर दीजिए। साइन कीजिए ना डैडी। हाँ, लगाता हूँ पीठ पर दो। इस गांव में आसपास बीएससी तक पढ़े हुए दो चार लड़के ही हैं, उसमें से दो लड़कों की शादी भी तय हो गई है और सुभराज का बेटा पता नहीं क्या करने के लिए फॉरेन जा रहा है। अब बचा है सिर्फ विराज जी का बेटा, बस उसे ही किसी तरह से मना सुना करके घर जमाई बनाया जा सकता। कल बुलाया रिश्ते के लिए। क्या कहा, रिश्ते के लिए बुलाया है? किसी से पूछे बिना? मैं किससे पूछूं? मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है, मुझे और पढ़ाई करनी है। मधु, मधु बेटी, मेरी बात मान ले। 6 साल पूजा करने के बाद तुम पैदा हुई, इकलौती बेटी हो। तुम्हारी शादी अगर कहीं और हो गई तो वहाँ पर तुम कैसी हो ये सोचकर मुझे चिंता लगी रहेगी। अभी क्यों शादी करके जाने की बात कर रहे हैं आप? अगर तुमने आगे की पढ़ाई की ना बेटी तो इसी तरह की परिस्थिति आने वाली है, इसलिए विराज जी को बुलाकर कल ही रिश्ता तय करना चाहता हूँ। डैडी, आप उन्हें मना कर दीजिए, मुझे पढ़ाई करनी है, पहले साइन कीजिए। मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? डैडी, आपने मेरा एमएससी का फॉर्म फाड़ दिया। कल आपका पसंद किया वो लड़का यहाँ आएगा ना, देखते रहिए, उस पर पत्थर मारकर उसे मारा नहीं तो मेरा नाम भी मधु नहीं। सुनिए जी, इतनी रात हो गई, आप सो क्यों नहीं रहे? सो जाइए ना। मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम सो जाओ। अरे नींद क्यों नहीं आ रही है, सो जाइए। अरे मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम सो जाओ ना। डैडी, डैडी,
मैं शादी के लिए राजी हूँ। अच्छा, शादी की तैयारी कीजिए। सच कह रही हो? हे भगवान, तुमने मेरी विनती सुन ली है। अच्छा बेटी, आजा आजा। राम राजू जी की पोती बापूराज जी की बेटी मधुमती नाम की लड़की की कंवरराज जी के पोते भूपति राजू से विवाह करवाने का निर्णय लेते हुए ये शुभ थाली को स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा तो ये बात है, अब क्या करेंगे बेटा? ला 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 ला। क्या हो गया, बहुत खुश लग रहे हो? आई गॉट वीजा। कनाडा वालों को बहुत गर्व महसूस हुआ होगा मुझे वीजा देने में। उनके लिए और उनके देश के लिए ये गर्व की बात है। कई बार मना करने के बाद भी आखिर में उन्हें मुझे देना ही पड़ा। अब मैं कनाडा जा रहा हूँ। आई सी। तुझे कौन से कॉलेज में सीट मिली है? मेरी गली के पीछे कुपली कॉलेज करके एक है। बस कुपली कॉलेज में जाकर तुम लोग तो गली में ही घूमोगे बे, क्योंकि तुम्हारे पास कम है ना ये भेजा। तेरी रेंज तो बहुत ही कम है और मेरी रेंज ऐसी ऊपर है, वहाँ कनाडा में उड़ कर जाऊंगा। ये इस तरह। ऊपर क्या हो रहा है? हाँ मैं पता नहीं साहेब, देखते हैं। चलिए। अरे बाप रे, देखिए क्या हो गया। क्या हो गया? भाभी बहुत बुरा। मधुमती प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या तो क्या लिखा है जरा पढ़कर बताओ। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, पापा की जबरदस्ती के कारण मैं शादी के लिए मान गया था। अगर जिस लड़की को मैं प्यार करता हूँ उससे पता चल गया कि मेरी शादी हो रही है तो वो आत्महत्या कर लेगी, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। शादी के एक दिन पहले दूल्हा लेटर लिखकर दूसरी लड़की के साथ भाग गया, इस वजह से अपमान होगा। क्या हुआ बेटी? पर मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगे। क्या हुआ जी? माफ कर दीजिए। ये चलो पासपोर्ट वगैरह सब संभाल के रखना। ओके डैड। हाँ ठीक से पढ़ाई करना, टेक केयर। ओ भगवान। देखो पापा, माँ हमेशा रोती रहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बड़ा पाप कर रहा हूँ। क्यों माँ हमेशा रोती रहती हो तुम? अरे क्या है रोने में रखा है ऐसे? मैं भी एयरपोर्ट तक तेरे साथ जाऊंगी। नहीं माँ, तुम एयरपोर्ट तक नहीं आ सकती हो। अरे एयरपोर्ट तक ही आएंगी, आने दो। माँ और एयरपोर्ट तक? माँ एयरपोर्ट में सेंटीमेंट से मुझे मार डालेंगी, दिल को निचोड़ने की तरह। मुझे जाने नहीं देंगी डैडी। प्लीज सिद्धू, प्लीज। भगवान दया करो, भगवान दया करो। माँ हाथ दो अपना। माँ हाथ दो अपना। नहीं दूंगी। आशीर्वाद, मुझे आशीर्वाद दो माँ। अरे माँ बाय। ओए चंदन। ध्यान से नोट कीजिए, उसका इस कहानी से कोई संबंध नहीं, पर पूरी कहानी को बदलने वाला यही है। ये ब्लड किसका है पता है आपको? गांव में जो मधुमती ने ब्लड दिया था, ये कहां कहां ट्रेवल करके आखिर में इस हॉस्पिटल में आ गया। अरे मधु, मेरी बात सुनो। तुम बिल्कुल दुखी मत हो,
हम दूसरा दूल्हा ढूंढेंगे, अगले हफ्ते ही शादी। डैडी सब्र कीजिए ना। हा? क्या हुआ? हाँ तो फिर आप अपने हिसाब से निर्णय ले लेते हैं, मेरे बारे में कुछ भी सोचते नहीं ना। एक तो मेरी शादी होने से पहले ही टूट गई और अब आप दूसरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं आगे की पढ़ाई करूंगी, पर आपने बीच में आकर। हाँ बेटी, तुम तो पढ़ना चाहती थी, बीच में आकर मैंने ही सब गड़बड़ कर दिया। डैडी तो मैं पढ़ाई कर लूँ, मैं पढ़ाई कर सकती हूँ ना डैडी। लेकिन मैंने तुम्हारे कॉलेज का एप्लीकेशन फाड़ दिया ना, तो फिर तुम कैसे पढ़ोगी? वो तो दूसरे कॉलेज का था डैडी, मैंने हैदराबाद के निजाम कॉलेज में भी अप्लाई किया था, इंटरव्यू कॉल भी आ गया है, अगर आप कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। क्या कहा? हैदराबाद में? तो उस पे दस्तखत? हाँ दस्तखत हो गए थे बापूराज कोड़ी कलकत्ती के, आप फिक्र मत कीजिए, वो मैंने कर दिए थे। चोर कहीं की। वेरी सैड। क्यों बे, उड़ के जाऊंगा, कूद के जाऊंगा, ऐसा कहा था ना? ये है तेरा उड़ना? ये पाँव ईस्ट में उड़ रहा है, वो पाँव वेस्ट में उड़ रहा है, और हाथ तो इसी शहर में रह गए। कहाँ जाएगा बे हमें छोड़ के? अब अगर तू चलना भी चाहे ना तो भी 2 महीने लगेंगे। कमीने, तुझे चुन चुन के मार के तेरा खून पी जाऊंगा, खून चूसूंगा। और तू छोड़ जरा। तू शोले का वीरू नहीं रहा, ठाकुर हो चुका है। वक्त आने दे कमीने, देख लूंगा। ए बाबू मोशाय, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मुझे लगा ये इस गेटअप में कहीं उड़ जाएगा। मेरा प्यारा बेटा। रोना बंद कर दे माँ, रोना बंद कर दे। ओए ऐसा मत बोल, तुझे चोट लग गई है इसलिए रो रही है। अरे पापा, मेरी इस स्थिति की वजह माँ का रोना ही तो है। घर से बाहर निकला तो रोने लगी और कार एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैंने एयरपोर्ट तक आने से मना किया था इनको। एयरपोर्ट आ जाती तो क्या क्या हो जाता, ये मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। डैडी डैडी, मुझे किसी भी तरह कनाडा भेज दो। डैडी प्लीज, डैडी प्लीज। पहले ही डॉक्टर ने इस पैर में चम्मच डाला है और इस पैर में प्लेट डाला है, 2 महीने तक हिल नहीं सकता, यहीं सेटल हो जा। पर मेरी स्टडीज। हाँ, फॉरेन जाने के चक्कर में तुमने लोकल कॉलेज में अप्लाई ही नहीं किया। चाहो तो मदद कर सकता हूँ, हैदराबाद के निजाम कॉलेज का प्रिंसिपल मेरा दोस्त है, उसे कह के एक सीट तो महीनों तक होल्ड करवा सकता हूँ। क्या कहते हो, हैदराबाद जाके पढ़ना ठीक है ना? कैनेडा नहीं तो कहीं पर भी हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना? कनाडा जाएंगे तो नाइग्रा फॉल्स देख सकते हैं, हैदराबाद जाएंगे तो हुसैन सागर देख सकते हैं, हम रोज वहां जाएंगे यार। कॉलेज में नए आए हो क्या? हाँ, और आप? मैं इसी क्लास में पिछले 5-6 सालों से पढ़ रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मैं कॉलेज में बिगिनिंग में आता हूँ और फिर फिनिशिंग में आता हूँ, बाकी पूरा टाइम मैं बस डांस करता रहता हूँ। डांस डांस डांस, इस पूरे कॉलेज का मैं ही डांस मास्टर हूँ। क्या शुरू हो रहा है? मना करूंगा तो नहीं करोगे क्या? स्टार्ट कर दो। बाय द वे, मेरा डांस करने का टाइम हो गया है, मैं तो चलता हूँ। जवानी, आर यू रेडी? स्टार्ट। Thank you. You're welcome. I'm Shanti. Hi, I'm Madhu. Hi. Thank you.
इस मंदिर में बहुत ही शांति है ना, ठंडी हवा, यहाँ का वातावरण, सब कह रहे थे तो मैंने सोचा होगा कुछ, पर आई रियली लाइक इट। आई लाइक इट। यू नो निशा, जब भी मैं मंदिर आती हूँ तो मुझे डैडी की याद आ जाती है। आजकल की लड़कियों पर ट्रस्ट तो कर ही नहीं सकते यार, लव मतलब धोखा, इसलिए मत चुको मौका। आपको मैंने शायद कहीं देखा है। सॉरी, मैं लाइन नहीं मार रहा हूं। सभी लड़के लड़कियों को देखकर पहला शब्द यही कहते हैं, पर मैं उस उद्देश्य से नहीं कह रहा हूं। सच में मैंने आपको कहीं पर देखा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देखा आपने, हम अभी फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, पर लगता है हम 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं। एक छोटी सी फीलिंग है। मुझे भी। एनीहाउ, आई एम सिद्धू, सिद्धार्थ रॉय। मधु, मधुमति। मधु, मधुमति, ब्यूटीफुल नेम। आप यहाँ पर? मधु? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कूल, बाय। अरे बाप रे, तुम्हारी तलवार की आवाज सुन के तो डर लग रहा है। महाभारत में अभिमन्यु जैसे तलवार घुमाता था, तुम भी वैसे ही तलवार घुमा रहे हो। अरे तुम इसे तलवार समझ रहे हो या फिर कुछ और? ए, चुप करना। ए सिद्धू, तूने कभी किसी से प्यार किया? अब तक तो नहीं, अब तक किसी को भी देखकर ऐसा लगा नहीं। लगता है तुमने किसी से प्यार किया है। हाँ। कौन है वो? अपने कॉलेज में। हमारे ग्रुप की है क्या? नहीं, मैथ्स। नाम? शांति। क्या प्रॉब्लम है तेरे लव में? प्रॉब्लम, मैं अनाथ हूं। शांति के पिता बहुत बड़े आदमी हैं। इस शहर में सभी उनसे डरते हैं। ऊपर से अभी कॉलेज के हॉलीडेज हैं। उस लड़की को देखे बिना रह नहीं पाता हूं। फोन करता हूं तो कट कर देती है। समझ में नहीं आ रहा बात कैसे कहूं, इसीलिए ये लेटर। शाबाश। एड्रेस? अपने लड़कों को ले जाकर वो काम देख। कुछ समस्या आए तो मुझे फोन करना, समझ आया क्या? बाबू ने इनके पास भेज दिया मुझे। ओहो। हेलो अंकल। हाँ, क्यों बेटी मधु, कैसी हो? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मेरा क्या है बेटी, अच्छा मधु? ही हूँ। वैसे शांति क्या कह रही है? मुझे क्यों पूछ रहे हैं, आप ही की बेटी है। बाय बाय। अच्छा आंकल। बेटी तुम आओ। हेलो 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 हेलो। सिद्धू, सिद्धार्थ रॉय टेम्पल। हाय। आप ये यहाँ क्या पर? आप यहाँ? ये लेटर कैसा? लेटर, लव लेटर। आपको कैसे पता चला?
वो तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है, तुम्हें सेंस नहीं है, मैनर्स नहीं है क्या? लड़की के साथ कैसे पेश आना है पता नहीं है, पैंट पहनी हुई है, शॉर्ट पहनी हुई है, शूज पहना हुआ है, पढ़ाई करते हो और ऐसे भी कर रहे हो, अकेले है तुम्हें? हेलो, ए जाकर कुछ ढंग का काम करो। हेलो, स्टॉप इट। ये क्या जो मुंह में आए बकी जा रही हो? हाँ तो मेरा मुंह है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे बात करूंगी। पर सुनने वाले हमारे कान है, आपके दांत से मेरा हार्ट हर्ट हो रहा है। हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। दो दिन पहले एक लड़की से मुलाकात होती है और आज लव लेटर लेकर आ गए उसके पास। हेलो मधु, ये लेटर मैंने आपके लिए नहीं लिखा है, मेरे फ्रेंड ने तुम्हारी फ्रेंड को लिखा है। सेमेस्टर हॉलीडेज, छुट्टियां हैं, मिलना मुश्किल है, फोन करने पर कट करना। मुझे उसने पूछा कि हेल्प करेगा क्या, मैंने कह दिया कि हाँ भाई मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। और उसके बाद घर जाकर देखा तो वॉचमैन है, वॉचमैन को किसी भी तरह ब्राइब करके अंदर लेटर स्मगल करने के बारे में सोच रहा था। इसी बीच आपको देखकर याद आया कि हम लोग तो मंदिर में मिल चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आपके जरिए ये लेटर क्यों ना आपकी फ्रेंड तक पहुंचाया जाए, तो इसलिए अभी मैंने आपको आवाज दी। और पर लेटर देखते ही आप मुझे डांटने लगी। हाउ डू आई लुक लाइक? डू आई लुक लाइक अ रोड साइड रोमियो? नो यू डोंट। डोंट से सॉरी, डोंट कीप टेलिंग मी, यू रियली रियली हर्ट मी। वो हमेशा नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। कितना टाइम चाहिए इनको प्यार के लिए, क्या बोले, प्यार में तो इंसान पूरी तरह पागल हो जाता है। मधु, अगल बगल के फ्लैट्स में रहते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के बारे में हम जानते कैसे नहीं? वो तो ठीक है, पर हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी यहाँ आकर ऐसे बात कर रहे हैं, इसे क्या कहेंगे? प्रेम। प्रेम? बाबू और शांति का प्रेम। ओह, तुमने क्या सोचा? कुछ नहीं। मधु, तुमने किसी से प्यार किया है? तुम? Why? नहीं किया बस। तुमने क्यों नहीं प्यार किया? नहीं पता। प्यार करना पता नहीं है? नो 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 नो। तो फिर पता है क्या? ओहो सिद्धू, प्लीज लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। अच्छा, किस बारे में बात करूं बताओ? अनजान लोग ड्रॉप करे तो थैंक्स कहना चाहिए। हम दोनों तो अच्छे से घुल मिल गए हैं, तो ये सब फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। आप क्या करें? तुम्हारे थैंक्स को वापस ले लो। तो फिर दे दो। बाय। डियर स्टूडेंट्स, हमारे कॉलेज का कल्चरल प्रोग्राम नजदीक आ रहा है, तो कल से होगी डांस रिहर्सल। शांति को दे दोगी? ओके ओके बाय। हे,
इसे चिपकाया नहीं। ओ ये क्या, मैंने कुछ और सोचा था। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट योर फ्रेंडशिप। फ्रेंड्स मतलब ऐसे ही होना चाहिए। पर्सनल लेटर बिना चिपकाए उसने तुम्हें दे दिया, मतलब उसे तुम पर बहुत भरोसा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, चाहो तो तुम भी पढ़ सकती हो। नो 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 नो, ये लव लेटर है, मोर पर्सनल। तुम्हारे फ्रेंड ने तुम पर भरोसा करके दिया है और तुमने मुझे दिया है क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा करते हो और हमें किसी का भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। ओके हाँ, काहे का भरोसा। डियर शांति, मैं दो दिन कॉलेज नहीं आ पाऊंगा। हर बार की तरह तुम्हें शुक्रवार को सिनेमा लेके नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मेहरबानी करके तुम बुरा मत मानना। अनाथ आश्रम के काम के लिए मैं दो दिन के लिए वैजाग जा रहा हूँ। ये दो दिन मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें चुमे बिना मैं कैसे रह पाऊंगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं मन की बात लेटर में कह रहा हूँ, शांति आई लव यू, शांति आई लव यू, 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 लव यू। व्हाट अ कैरेक्टर यू आर। मैं ये खुला है तो इसे पढ़ना चाहिए क्या? ये कोई मामूली लेटर नहीं है, अपनी फ्रेंड का भरोसा तुमने तोड़ दिया, बिल्कुल गलत है। यू आर अ क्रूक, यू आर अ जर्क, यू आर अ चीट। तुमने उसका भरोसा तोड़ा। यू आर स्टूपिड, यू आर इडियट। तुम्हारी सोच गंदी है, तुमने उसका विश्वास तोड़ दिया। आई नो यू आर अ चीट। रुको शांति, रुक 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 जाओ। कूल, मैं इतना चीप दिखाई देता हूँ क्या? बाबू का ये अंगूठा है ना, ये अंगूठा, ये नहीं ये वाला, वो कट गया है। कटने से बहुत खून निकल रहा है, ऐसे में वो लिख सकता है क्या? लिख नहीं सकता ना, इसलिए उसके शब्दों में मैंने लिख दिया। आया समझ में? तुम्हें और एक्सप्लेनेशन चाहिए? I'm sorry. Am I clear? और भी कुछ बोलूं क्या मैं? सिद्धू, सिद्धू। तुम्हें बस थोड़ा सा गैप मिल जाए, तुम बस फटाफट 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 चिल्लाना शुरू कर देती हो। I said I'm sorry. अब तुम अपना स्टार्ट करो। Sorry, sorry. हाँ. I'm sorry. No, no. I know about you. You will end up with this. Please. अच्छा तुम्हें काम करो। I'm sorry. ऐसा 1000 बार कैसेट में रिकॉर्ड करके अपने पास रख लो, क्योंकि ये चीज तुम्हारे बहुत ही काम आएगी। I'm sorry. अरे क्या हो गया? कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या करेंगे? लॉक करके वॉक करते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ प्रॉब्लम क्या है, मॉर्निंग में मैकेनिक को बुलाऊंगा तो ही विल टेक केयर ऑफ इट। वी कैन गो बाय वॉक ना। या मधु, मैं तुमसे एक बात पूछूं। क्या? तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? पसंद मतलब? मुझे मेरे पापा बहुत पसंद है। Of course, मुझे भी मेरे पापा बहुत पसंद है। बचपन से मुझे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, मान मर्यादा सिखाई। I like my dad. और मेरी माँ बहुत पसंद है। Of course, मुझे भी मेरी माँ बहुत पसंद है। बचपन में मुझे लोरियाँ सुनाई, खाना खिलाया। I love my mother. और तुम्हें कौन पसंद है बताओ? और चिरंजीवी। चिरंजीवी? चिरंजीवी फिल्म एक्टर। फिल्म एक्टर चिरंजीवी। फाइट करता है, डांस अच्छा करता है, रक्तदान, ब्लड बैंक, समाज सेवा। आई लाइक हिम, अच्छा इंसान है वो, मुझे भी बहुत पसंद है सच में। ऐसा नहीं मधु, चिरंजीवी, माँ, पापा, ये सब तो कॉमनली कहने वाले लोग हैं। तुम्हें पर्सनली स्पेशली कौन पसंद है? अरे बाप रे, मधु 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 मधु, एक बात बताओ, तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं किसी को पसंद करती हूँ? कुछ नहीं, लाइट ले लो। ओहो, गुड नाइट। हाय बाबू। पापा सिद्धू को देखा क्या? आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? नो। घर में कोई खास दिन है? व्हाई? नई ड्रेस, हैप्पी मूड।
एनीथिंग स्पेशल? नथिंग स्पेशल। वैसे सिद्धू कहाँ है? लेफ्ट साइड कॉर्नर में है। मैं तो वहीं से आई। तुम वहीं से आई होगी, लेकिन वही टेलीफोन बूथ है ना, उसमें तुमने देखा नहीं होगा। टेलीफोन बूथ में है क्या? बाय। नो स्वीटहार्ट, लास्ट मंथ 1 वीक हॉलीडे है, ये बात तो सच है। फ्रेंड्स ने फोर्स किया इसलिए मुझे यहाँ रहना पड़ा, इसलिए मैं नहीं आ पाया स्वीटहार्ट, सॉरी। हेलो गीता, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनोगी क्या? नेक्स्ट मंथ 1 वीक हॉलीडेज है, इस बार जरूर आऊंगा। अब तुम खुश हो ना? आई लव यू गीता, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। मेरे वापस आने तक तुम्हारे लिए यादगार ऐसा कुछ दूं क्या? बाय। हाय, मेरे लिए वेट कर रही थी क्या? क्या हुआ आज इतनी भद्दी दिख रही हो? अब तो तुम्हें ऐसे ही लगेगा ना। नहीं, सच में तुम बहुत सुंदर लग रही हो, वो तो मैंने डायलॉग बदल के बोल दिया। बदलना तुम्हारी आदत है। मैंने तो ऐसे ही कहा, तुम तो सीरियसली ले रही हो। ए सिद्धू। हाँ। मधु तुझे ढूंढ रही थी यार। ओ, मिल गई क्या? ठीक है ठीक है। मधु तो मुझे ढूंढ रही थी। आई तो थी एक जरूरी बात करने के लिए, पर अब भूल गई। भूल गई हो सिद्धू। हाँ। कौन कौन कौन? फोन पर गीता। हाँ वही, मेरी माँ। माँ? हाँ मेरी माँ। पर तुमने गीता बुलाया? अरे उनका तो नाम ही वही है, माँ को गीता बुलाना, पापा को नारवेद बुलाना मेरी आदत है। बचपन से ऐसे ही बुला रहा हूँ, तो वो बुला बुला के मेरी आदत हो गई है। रोज कॉन्फ्रेंस में बात करता रहता हूँ उनसे, दैट्स इट। माँ? 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 जानो जल्दी क्या नाव से बारा, आ जा मेरी गाड़ी में बैठ जा, घुमाऊंगा फिराऊंगा मस्ती कराऊंगा। ए चिक, आराम से पीना, चिक 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 कम कर, चिक चिक। कल को लगा होगा भाई? कल का वो कल रात को अफजलगंज के 4 पट्टे मिले थे मामू, मैं शेरू अजय तीनों मिलके चारों को ये मारे कि हमने एक एक का भरता बना दिया मामू। अच्छा, वो तो मैंने शेरू भाई को रोक लिया, वरना वो तो अक्का रामपुरी निकाल रहे थे। हाँ, अगर मैं नहीं रोकता ना तो कल तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता। क्या रे शेरू, बोल। ए चुप कर बे, ये सिगरेट देना। लगता है कल रात का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ मामू। वो देख शेरू, कल रात का तेरा पूरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। क्या लड़की है रे बाबा, क्या लड़की है। क्या बात बोला भाई, इससे तो मैं आज टाका भिड़ाऊंगा रे। ए आती क्या खंडाला? खंडाला काय को बे, गार्डन ले जाएंगे इसको। क्या बोलता रे अजय, छोड़ दे रे। सिद्धू। हाय मधु। हाय। अरे क्या बात है, शेरू तो कुछ भी कर, आज इस लड़की को तो हम सोचने से कुछ नहीं होता है शेरू। वो देख लड़का लड़की को ले जा रहा है। कमल गाड़ी निकाल। क्या रे? क्यों फल्ती जॉक्स? क्या बकी तू? हाँ? क्या बोली? हाँ? देख के नहीं चल सकते क्या? क्या देखूं? चल दिखा। दिखाऊं? दिखा ना। I'm sorry. इससे पहले जो हुआ उसके लिए I'm sorry. मैं माफी मांगता हूँ। तू कौन है? मैं बात कर रहा हूँ। चल तू बढ़िया से। एक मिनट रुको, मैं बात कर रहा हूँ। चल मैं संभाल लेता हूँ। लेके जाए। टेंशन मत ले। क्या रे? देखो अपना पार्टी से बात कर रहा है ना। तू बीच में बात कर। तू निकल। तू जा जा। दिमाग मत खराब कर। चल। ऐसा हो जाता है। Why are you saying sorry? हाथ मत लगा। दया करके कह रहा हूँ कि अहिंसा का पाठ पढ़ने वाला हूँ मैं। वही समझाओ रे इसको। झगड़ा मत करो। अन्ना भाषण दे रहा है रे। इलेक्शन के पहले के मिनिस्टर जैसा बोल रहा है। देखो भाई, अब तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जा निकल। दया करके बोल रहा हूँ। खाली कर तू रोड। निकल यहाँ से। जा। चल लड़ते हैं अभी। चलना। इतनी दूर आने के बाद अहिंसा को अगर बगल में रख लिया तो हिंसा ही बचेगी। दे
कमेंट्स और हरकतें करते हो उससे लड़कियों को कितना दर्द होता है पता है क्या? पता है क्या? चार लोगों के साथ मिलकर हीरोगिरी करते हो? हाँ, लड़कियों के साथ हीरोगिरी करते हो? बहुत बड़े बाहुबली हो तुम? हाँ, बाहुबली हो क्या? देख भाई, छोड़ दे उसको। भाई कौन मालूम तेरे को? जय आंटी मालूम तेरे को? लल्लू अंकल मालूम तेरे को? समझ रहा है ना तू? ये सब मेरे पीछे है। हाँ। अगर तू मेरे को हाथ लगाएगा ना, क्या बात ऊपर तक पहुंचती। ऐसा क्या? बात बहुत ऊपर तक जाती। क्या ऊपर तक? चलो चलो। अबे भाई क्या तू भी ऐसे? अरे समझ ना, जाना ये आइटम समझा इसको। मैं कौन हूं? अबे क्या समझाएगा? काय को भाग रहे रे? अरे मत भागो। अरे आओ रे, जाओ रे, ठहरो ना। For me? Wait, must be interesting. ऐसे क्यों कर रहे हो? इतनी जल्दबाजी क्या? I know. Ashtray. Beautiful. कहाँ से खरीदा? ताज़ा आपके आदमी से. कितना? 10,000. 10,000?
10,000? Yeah, it is. Ashtray के लिए 10,000? वो इसलिए क्योंकि ये चाइना क्रिस्टल से बना हुआ है, माइन्यूट आर्टवर्क किया हुआ है ना, इसलिए इतना कॉस्टली है। ये क्या मधु, दिखने में सुंदर है पर इसके बदले में तुम कुछ और खरीद सकती थी ना। इतना सुंदर है तो ऐसा करने में मन नहीं करेगा मधु, मन नहीं मानेगा। इसीलिए इसीलिए है ये एश्ट्रे। तुम जब भी स्मोक करके इसमें ऐश डालोगे तब तुम्हें मेरी याद आनी चाहिए, मुझ पर ऐश डाल रहे हो ऐसा फील होना चाहिए। सो नो स्मोकिंग, सिगरेट छोड़ दो। सॉरी, मैं स्मोकिंग स्टॉप करूंगा। मैं पीता हूँ, थोड़ा स्टाइल के लिए ट्राई करता रहता हूँ, और तुम उसे भी रोकने के लिए कहोगी तो सॉरी आई कांट डू इट। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी भी इज्जत है तो तुम कभी स्मोक नहीं करोगे, ओके? ब्यूटीफुल, ओके, लास्ट पफ, जस्ट वन मोर। Just one more. Let me finish this, huh? Happy? That's good. That's good. हाय मधु। डोंट डिस्टर्ब, एग्जाम्स है, पढ़ रही हूँ। सिद्धू, ये ठीक नहीं है। क्या जो तुम कर रहे हो?
बुक पढ़ना अच्छा नहीं है क्या? मैं किसी गलत काम के लिए नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे पढ़ने के बारे में बात नहीं कर रही, तुम्हारी नजर के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक से ही तो देख रहा हूँ। बात बदलो मत। तुम मेरी कमर देख रहे थे। What? दिखावा मत करो, तुमने देखी? नहीं तो? तुमने देखी? अरे नहीं कह रहा हूँ ना। मैं कह रही हूँ ना, तुम देख रहे थे। तुम झूठ कह रहे हो, तुमने देखी। वो मैं भी एक्सीडेंटली पेज बदलते वक्त मिस होके मैंने एक्सीडेंटली देखा होगा, पर गलत नजर से तो नहीं देखा। तुम्हें आकर एक मिनट भी नहीं हुआ है, एक पेज भी नहीं पढ़ा और 10 बार देख लिया। मधु तुम मुझे बहुत रॉन्ग एंगल से देख रही हो। कौन? मैं रॉन्ग एंगल से देख रही हूँ या तुम रॉन्ग एंगल से देख रहे हो? यू हैड मिस्टेकन मी। अभी नहीं, तुम मुझे पहले से ही गलत समझ रही हो। उस दिन डांस हॉल में भी बाबू के दिए लेटर में क्या लिखा है ये बताने के बाद तुमने मुझसे क्या कहा कि तुम्हारा ऐसा ही गंदा दिमाग है, दिए गए लेटर पढ़ना अच्छी बात नहीं है, यू आर अ पर्वर्ट, यू आर अ क्रूक, ऐसा बोल के मुझे गाली दी। उसके बाद मैंने तुमसे बताया कि उसका अंगूठा कट गया था, इसलिए मैंने उसके लिखने में मदद की, तो उसके बाद तुमने सॉरी कहा। अच्छा वो छोड़ो, हमारी फर्स्ट मीटिंग को ही ले लो। बाबू ने शांति को देने वाले लेटर को तुमने मेरे हाथ में देखा। ऐसे डाटा नहीं, इसके मुताबिक तुम्हारी साइकोलॉजी है कि तुम बहुत सुंदर हो, ऐसी तुम्हारी फीलिंग है। तुम्हारी सुंदरता को देखकर सब तुम्हें पागलों की तरह एडमायर करें, ऐसी तुम्हारी इच्छा है। एक बार अगर तुम्हें लाइन मारो तो बस बकबक करके सीधे डांट देती हो। छह लड़कियों की साइकोलॉजी ऐसी होती है। मेरे बारे में बात कर रहे हो तो मेरे बारे में बात करो, दूसरी लड़कियों से कंपेयर मत करो। क्या बताया तुम्हें लड़कियों की साइकोलॉजी के बारे में? मन में कुछ और रखकर बाहर कुछ और बोलने वाले हम नहीं होती, तुम होते हो। ओके, उस दिन हम फ्राइड राइस खा रहे थे, उस दिन तुमने क्या किया? जानबूझकर स्पून नीचे गिराया, उसके बाद मेरे स्पून से, मेरे जूठे स्पून से तुमने खाया या नहीं? ऐसा नहीं किया था तुमने, इसे कहते हैं दिखावा। उस दिन कहा था गाड़ी खराब हो गई है, रिपेयर करनी होगी, लॉक करके मेरे साथ वॉक करने लगे। वॉक करते समय तुमने क्या पूछा? हाँ, कि मुझे सबसे ज्यादा कौन पसंद है, पूछ पूछ कर मुझे परेशान कर दिया। और उस दिन जब तुम्हारे पापा आए थे तब सबसे इंट्रोड्यूस करवाते वक्त, ये है सुंदर स्टडिंग मैथ माय कॉलेज मेट माय फ्रेंड, ये है बाबू स्टडिंग फिजिक्स माय क्लासमेट माय फ्रेंड, ये है मधु स्टडिंग मैथ माय कॉलेज मेट माय फ्रेंड, ऐसा फटाक से कह सकते थे ना, तो तुम हिचकिचा क्यों रहे थे? उसमें छुपाने वाली क्या बात थी? इतने दिनों से ये सब पता हो कि अनजान मन के मेरे साथ तुम घूम रही हो, तो इसे क्या कहूं? बोलो, ये सब पता होते हुए भी तुमने मुझे एस्ट्रो प्रेजेंट दिया। ओके, वो चाहे तो फ्रेंडशिप कह सकते हैं। उस दिन कॉलेज में फोन पर गीता से बात करते समय गीता आई लव यू कह के किस करने पर, वो गीता कौन है ये पता करने के लिए तुम कितना तड़प रही थी। कौन है वो गीता, वो कौन है? मेरी माँ, ऐसा कहने पर ही तुम कूल हुई थी ना। पहचान वाला कोई दम मार के खराब हो रहा है तो उसे एस्ट्रो गिफ्ट करना फ्रेंडशिप बोल सकते हैं, पर गीता कौन है ये पता करने के लिए तुम्हारी इस पॉजिटिवनेस को क्या कहेंगे? बोलो। हाँ, बात बदलो मत। तुमने मेरी कमर देखी या नहीं? तुमने मुझसे प्यार किया कि नहीं? नहीं, मैंने भी तुम्हारी कमर नहीं देखी। छह, अकेले यहाँ बैठकर कम से कम 5 मिनट भी मुझसे बात नहीं की। इतने में मुझे गलत ठहराने वाला तुम्हारा ये इगोइस्टिक कैरेक्टर, जो मुझ पर भरोसा नहीं करते उनसे मैं फ्रेंडशिप नहीं रखता, और अगर रखूंगा तो भी वो लव तक नहीं जाएगी, अगर हो गया तो भी वो लव मैरिज तक नहीं जाएगा, और अगर जबरदस्ती मुझे शादी में बिठा भी दिया ना तो ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए कहकर शादी के एक रात पहले ही मैं लेटर में लिखकर सीधे वहां से भाग जाऊंगा। मधु, मेरी बात सुनो, मेरे बारे में या मेरे कैरेक्टर के बारे में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। सिद्धू नाम के इंसान से मैं अपनी लाइफ में कभी मिली भी थी, ये भूल जाऊंगी। अब से तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं है। मधु, मधु, मेरा मतलब वो प्रिया। यस सर। रवि। यस सर।
सुकन्या, यस सर, रोजी, यस सर, जेंसी, सिद्धू, बाबू, बाबू, सिद्धू, बाबू नहीं आया क्या? मधु, यस मैम, शांति, 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 मधु, शांति नहीं आई क्या? मार डालूंगा। मार डालिए मुझे। तुझे नहीं, उसे मार डालूंगा। बाबू को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मरना चाहती है? मर जा। उसके साथ जाएगी तो वैसे भी मेरे लिए मर चुकी होगी। मेरे खिलाफ जाने वाले को मैं पसंद नहीं करता। तेरी बेटी होके तुझे दौलत की ख्वाहिश कैसे नहीं है? मुझे तो तेरी माँ पे शक होता है। ए, तुम अगर उससे मिली या वो यहाँ आके तुमसे मिला, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद से पापा ने मुझे घर में बंद करके रखा है। बाबू का क्या होगा मुझे नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शांति, शांति, शांति प्लीज, बाबू को कुछ नहीं होगा। तुम दोनों को एक करने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी। इट्स अ प्रॉमिस। मैं तुम्हें मनाने के लिए आई हूँ, इस गलतफहमी में मत रहना। मनाना गलत है, ऐसा किसने कहा? मेरी बात सुनो, तुमसे, सॉरी, आपसे आर्गुमेंट करने नहीं आई हूँ। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। इस 2 मंथ्स के समर हॉलीडेज में हमारे घर जाने के बाद यहाँ बहुत कुछ हुआ। बाबू शांति को मिलने उसके घर गया था। शांति समझकर उसने उसके पापा को पकड़ लिया। शांति को उसके पापा ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। बाबू क्लास में आया था क्या? नहीं आया। हमने जिस प्यार को पाला था अब वो प्रॉब्लम में अटक गया है। आई मीन बाबू और शांति के प्यार के बारे में बात कर रही हूँ। शांति को देखा तुमने? सॉरी, आपने? मैं अभी अभी वहीं से आ रही हूँ। शांति बहुत रो रही थी। मैंने उसे समझाया कि मैं उसके साथ हूँ, उसे और बाबू को मिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा प्रॉमिस किया है उसे, और इसी वजह से बस आपसे मिलने आई थी। आपने भी आपके फ्रेंड से प्रॉमिस किया है, सो मैंने अपनी फ्रेंड से प्रॉमिस किया है, और आपने अपने फ्रेंड से जो प्रॉमिस किया है उसके लिए हमें मिलकर उन दोनों को मिलाना होगा। हम दोनों मिलकर कहा, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सुलह हो जाएगी। पहले जब हम साथ हुआ करते थे तब बात कुछ और थी, अब हमारे बीच कुछ नहीं है और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। ना हमारे बीच फ्रेंडशिप है, ना प्यार है, और ना ही कोई दूसरी रिलेशनशिप है। सिर्फ एक ही चीज है, अ ब्लाइंड रिलेशनशिप, अ रिलेशनशिप विच हैज नो मीनिंग। और ये रिलेशनशिप भी उन दोनों को मिलाने तक ही होगा। मैं जैसे कह रही हूँ वैसे ही आप रहेंगे, इसी की मैं उम्मीद कर रही हूँ। मैं जो जो कहना चाह रहा था आपने भी वही कहा। बिल्कुल हंसी बाबू ना। या व्हाई नॉट, लेट्स गो। अरे बाबू ये दाढ़ी कैसे है यार? क्यों बे, 2 महीने 2 महीने नहीं रह पाया क्या? क्या जल्दी थी तुझे? ठीक है, शांति के घर गया। शांति के रूम में जाकर शांति को उठाने के बजाय उसके पिता को क्यों नहीं उठाया तूने बाबू? बहुत हो गया, बस करना। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ, प्यार व्यार जैसी बेकार की कमिटमेंट्स रखनी ही नहीं चाहिए।
अब मुझे देख मैं कितना खुश हूँ और कितना फ्री महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने किसी से प्यार नहीं किया, किसी भी समस्या में फंसा नहीं, वरना तेरी तरह अटक कर मैं दुखी हो जाता। सिद्धू, मन में दुख छुपाकर बाहर खुश रहना, ये दिखावा करना देखकर ही गंदा लग रहा है। क्या कहा? I mean, बाबू के लिए तुम अंदर से दुखी हो, उसी के बारे में बात कर रही हूँ। दुखी है तो क्या, दुखी होने से सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। इतना दुखी हुआ तो इतनी समस्या हल हो जाएंगी, ऐसा बोलो तो मैं उतना दुखी हो जाऊंगा। कितना भी दुखी होने से कोई भी समस्या हल नहीं होगी, तो फिर दुखी होने का प्रयोजन ही क्या है बोलो। अरे बाबू, तुझे इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, तू पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हमारी परिस्थिति अलग है, तेरी परिस्थिति अलग है, तुझे किसी भी तरह पढ़ना ही होगा। तेरे प्यार का मामला हम लोग देख लेंगे, तू बस काम पर ध्यान दे। तुझे और शांति को मिलाने की जिम्मेदारी हमारी, भरोसा नहीं है क्या? अरे हम क्या, अगर तेरा प्यार सच्चा है ना तो वही तुम्हें मिलाएगा। क्यों? हमारा प्यार अगर सच है तो वही हमें मिलाएगा ना। बाय। अरे बाबू मॉर्निंग कॉलेज में आ जाना। सी यू टुमारो। थैंक्स मदर। तुम्हें चल के जाने की जरूरत नहीं है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे आपको ड्रॉप करने के लिए आपकी मेरी फ्रेंडशिप होना जरूरी नहीं है, और लवर होने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही हमारे बीच कोई रिलेशन होने की जरूरत है। जस्ट रोड पे जाते समय कार रोककर लिफ्ट मांग ली, ऐसा आप समझ सकती हैं। रोड पे जाने वाली लड़की को मैंने लिफ्ट दे दी, ऐसा मैं समझूंगा। अगर फिर भी आप अपनी जिद से चलकर जाना चाहती हैं तो इट्स अप टू यू, यू कैन वॉक। मैं अभी फ्लैट में नहीं रह रही, हॉस्टल में रह रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी। ओह, नो प्रॉब्लम, आई विल ड्रॉप यू देयर। Fine. इस बार मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही रुके। जस्ट टू मिनट वेट कीजिए, मैं चेक करता हूं। गिव मी टू मिनट्स। भाई मैंने कुछ नहीं देखा। थैंक्स। अब्बा, अगर अनजान लोग ड्रॉप करते हैं तो थैंक्स कहने की मुझे आदत है। अच्छी आदत है। क्या सोचता है आपको? मैं कौन हूँ जानता है? ये आदमी गांव का है, इसने सोचता है कि उल्लू बना देगा, ऐसा सोचता ठीक है क्या? मेरी मुझे देख करके तुझे डर नहीं लगता है क्या? तो तुझे कहाँ ले जाने के लिए कहा था? निजाम कॉलेज। निजाम कॉलेज के लिए बोला तो वहीं ले जाना चाहिए था ना। तू वहाँ ले जाने के बजाय अपनी मर्जी से पूरा शहर घुमा रहा है। मैं यहाँ शहर देखने आया हूँ। अरे क्या छोड़ दो इसे, जाओ यहाँ से। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैंने इसे पैसे दिए हैं, इसे ले करके जाना होगा। आप जाइए, मैं देख लूंगा। सर, अगर आप नहीं जाएंगे तो यहाँ से कोई नहीं जाएगा। देखिए ट्रैफिक जाम हो गया है, आइए ड्रॉप कर दूंगा, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। आइए आइए। कमीना। आइए सर। इस शहर में कैसे रह रहे हो बेटा, जहाँ देखो सब फ्रॉड लोग भरे पड़े हुए हैं। लेकिन आप तो बहुत अच्छे आदमी लग रहे हो बेटा, हर चीज पे मुस्कुराते हो, वही मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही मुस्कुराते रहना चाहिए बेटा। बेटा हाँ, मेरी बेटी को पहचानते हो? कौन? मधुमती।
मधुमति। अरे इतने लोग पढ़ रहे हैं, आपको भला क्या पता। वैसे लड़कियों का हॉस्टल कहाँ है आपको पता है क्या? कौन सा हॉस्टल? वो क्या कहते हैं वो क्या क्या कुछ तो कहते हैं दुर्गा भाई देशमुख। हाँ वो हॉस्टल तो मैं भूल नहीं पाऊंगा। उस हॉस्टल में मेरी पहचान वाली लड़की है। लड़की मतलब साधारण लड़की नहीं, बहुत ईगो वाली लड़की है वो। क्या कहा? ईगो मतलब? ईगो कैसे बताऊं आपको। हाँ खुद की गलती नहीं मानना। हाँ ओ हाँ उसने जो किया वो गलत है, फिर भी उसने गलती किया ये उसे पता है, फिर भी वो सॉरी नहीं बोलेगी अंकल। ओहो हाँ नीचे गिरने पर भी वो अपने आप को आसमान में है ऐसा समझती है। जिद्दी घमंडी वो कैसे बताऊं आपको मैं। अरे घमंडी गधा। हाँ समथिंग लाइक दिस। घमंडी है बहुत बहुत घमंडी। उसमें उतना घमंड है तो हमें कुछ कम है क्या? वहाँ जो दिख रही है वो बिल्डिंग है सर। बहुत बहुत थैंक्स बेटा। डैडी मधुमति कैसी हो? अच्छी हो ना? माँ कहाँ है? माँ आना चाहती थी, मैं नहीं मना कर दिया। क्यों लेट आया? वो क्या है ना बेटा, आते समय एक ऑटो वाले से झगड़ा हो गया, तभी एक लड़का एक मिनट रुको मैं आता हूँ। डैडी बेटा 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 अरे जरा इधर आओ। अरे तुम्हें बुला रहा हूँ, आओ ना। आ जाओ बेटा। अरे आओ बेटा। बेटी मैंने बताया ना एक ऑटो वाले से झगड़ा हो गया था, तो एक लड़का मुझे यहाँ लेकर आया, वो यही है बेटा, मेरी बेटी मधु। मधुमति? ये मेरे घर का नाम है। ओ पेट नेम, गुड। आई एम सिद्धू, सिद्धार्थ रॉय। ओ आओ बेटा कॉफी पी के। अरे कोई बात नहीं मैं चला जाता हूँ। अरे आओ तो, मेरे घर में कोई आता है तो हम उसे खाना खाए बिना नहीं भेजते हैं, ये हमारे संस्कार हैं। कम से कम एक कॉफी तो पिला ही सकता हूँ। मधु बुलाओ ना। कॉफी पीकर जाइए। आओ बेटा। सर मैं कार लॉक करना भूल गया हूँ, आप जाइए मैं लॉक करके आता हूँ। ठीक है ठीक है, जल्दी आना। ठीक है चलो बेटी। अरे मधु मैंने दूल्हा ढूंढना शुरू कर दिया है, वही बात तुम्हें बताने आया हूँ, ठीक है ना? डैडी जब देखे तब शादी की बात करते हैं, मुझे नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? जैसा तुमने कहा वैसा पढ़ाया ना, अब जो मैं कहूँगा तुम्हें सुनना पड़ेगा। आओ बेटा बैठो। मैं नहीं सुनूंगी। क्यों नहीं सुनोगी? देखो बेटा मैं कह रहा हूँ तो सुनती नहीं है। पापा कह रहे हैं तो बात सुननी पड़ेगी। पापा क्या कह रहे हैं आपको पता भी है? ये मेरे और मेरे पापा के बीच की बात है, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, एक मारूंगा बस। ये हमारे मेहमान हैं, ऐसे बात करते हैं क्या? देखो बेटा आखिर मैंने क्या कहा, शादी के लिए दूल्हा ढूंढ रहा हूँ यही कहा, मना कर रही है। एक लड़की शादी के लिए नहीं नहीं बोले तो उसका क्या मतलब होता है? देखो अगर तुम किसी से प्यार व्यार करती हो तो मुझसे डरो मत, बता दो मुझे। मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी शादी उसी से धूमधाम से करवा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि वो लड़का इसकी तरह अच्छा होना चाहिए। सही कहा ना बेटा? हाँ। ऐसा कोई तुम्हारे मन में हो तो बताओ। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मन में कोई नहीं है तो शादी के लिए हाँ कह दो। पापा आप लड़का ढूंढिए। अरे ये तो आश्चर्य वाली बात हो गई, मैंने इतना कहा तो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी, आपके कहते ही मान लिया। बेटा आपका आना मेरे लिए बहुत शुभ हो गया है, उधर ऑटो की समस्या थी और यहाँ पे शादी की, दोनों ही सॉल्व हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कुछ भी कहो, मैं जिस काम से आया था हो गया, अब मैं भी आपके साथ ही चलूंगा, रास्ते में मुझे छोड़ देना। चलो बेटा। मधु चलता हूँ बेटी। चलो बेटा। मधु एक और खास बात है, यहाँ पर इनके पहचान की कोई लड़की है, उससे इसका झगड़ा हो गया है बेचारे का। अरे जाने दीजिए। अरे रुको बेटा, तुमने मेरी मदद की थी ना, तो अब मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मधु
वो लड़की बहुत घमंडी है ऐसा बताया इसने। वो क्या कहते हैं कि वो ट्री ट्री की वो ट्रिक वो बेटा वो क्या है ये मेंटल जैसी वो ईगो ईगो। अरे कोई बात नहीं जाने दीजिए चलिए। अरे बोलो बेटा बोलो। ईगो हाँ ईगो बहुत ईगो वाली लड़की है वो। हमारे गांव के औरतों में माता आती है ना वैसे ही उसके अंदर ईगो आता है। तुम्हें एक काम करना है मेरे लिए उस लड़के से बात कर लो। ये बहुत अच्छा इंसान है मेरे पापा ने कहा है ऐसा बोलना। इनके साथ झगड़ा मत करो ऐसा समझाकर इन दोनों को मिला दो ठीक है ना बेटा हैं? या फिर कुछ और भी काफी है सर। चलो बेटा मेरी बेटी बहुत स्मार्ट है तुम्हारा काम करा देगी उस लड़की से जाकर बात कर लेगी घबराओ मत बेटा। पाकी पाकी परदेसी ऐसा कैसे हो गया? बस कमर देखने की वजह से उस लड़की ने इतना बड़ा प्रॉब्लम कर दिया। छह कलकत्ता से मैं यहाँ करेक्ट टाइम पे आया हूँ। अब देख मैं तुझे एक छोटा सा आइडिया देता हूँ सब भूल जाएगा तू। ये देख हाँ। ये क्या है पता है? पानी का पैकेट सोच रहा है ना? हाँ। नहीं हाँ? देसी शराब हैदराबाद में भी ये मिलता है। ये एक मार लिया ना तो ए, मारना यार। अरे मार रे। नहीं नहीं अरे मुझे आदत नहीं है सब तुझे पता है ना। तो क्या मुझे इसकी आदत है क्या? मैं हमेशा पी के पड़ा रहता हूँ क्या? क्या रे तू भी ये ले काट काट काटना इसमें डाल अच्छे से काटा ना। आजा ये ले पी बस 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 हो गया। अब ये चाट 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 कैसा लगा? याहू घूम रहा है कि नहीं? ऐसे ही होता है। अब मुझे देख ये दे मुझे एक अच्छा गाना गा। ये रंगा बोती ये रंगा बोती और रंगा बोटी खोलो खोलो। अरे यार ये कौन सा गाना गा रहा है? अच्छा वाला गाना नया गाना तेरे गांव का तेरे पिताजी के गांव का। अच्छा सीखा कोलम का गाना। अरे वही ऐसा बोल रहे हैं। अरे खई के पान बनारस वाला और खुल जाए बंद अकल का ताला और फिर तो ऐसा करे धमाल ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा ओ खई के पान बनारस वाला ओ खुल जाए बंद अकल का ताला। अच्छा? ओ फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला। एक आंख मारू तो पर्दा हट जाए दूजी आंख मारू जमाना चुक जाए दोनों आंखें मारू तो छोरी पट जाए छोरी पट जाए। अरे दोनों आंखें मारू तो छोरी पट जाए छोरी पट जाए। आगे का भूल गया यार खत्म हो गया बस चली गई पैकेट भी खत्म हो गया। मैं एक काम करता हूँ अभी जाता हूँ और पैकेट लाता हूँ तू तब तक दम मार। अरे संभल के जाना। तुम जब भी स्मोक करके इसमें ऐश डालोगे तब तुम्हें मेरी याद आनी चाहिए। मुझ पर ऐश डाल रहे हो ऐसा फील होना चाहिए। ऐसे क्यों देख रही हो? रुको मेरे आगे डांस कर रही हो क्या? हाँ रुको क्या देख रही हो? क्या 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 देख रही हो? मुझे बताना ही होगा। अंडे जैसी दो आंखें रख के मुझे ऐसे देख रही हो जैसे मुझे मार ही डालोगी। हाँ ऐसे क्यों देख रही हो पहले बताओ।
संभाल के सिद्धू, वहां से अगर थोड़ा और ऊपर करेगी तो थोड़ा सा और इसे मैंने देखा ऐसे कह रही थी तो यहाँ पे और फिर यहाँ से ये ऐसे ये यहाँ तक। अपने आप को बहुत बड़ी सुंदरता की देवी समझती हो क्या? अरे कौन सी बड़ी सुंदर हो, इतनी छोटी सी शक्ल है, इमली की तरह नाक है और पानी के मछली की तरह अजीब से दिखने वाले छोटे से होंठ। तो फिर मुझे तुम्हारी कमर देखने का मन हुआ। काली साड़ी पहन के बदन पूरा ढक के बैठने पर लाल नींबू के रंग का नींबू पीला होता है ना, ओके लाल और पीला मिक्स होके छोटे से रोमांटिक कलर में छोटा सा एरिया देखा तो आंखें तो ऑटोमेटिकली देखती हैं, ऐसा तो होता ही है, वो तुम्हें दिखाना नहीं चाहिए था। शक्ल तुम्हारे बदन का हिस्सा है, कमर तुम्हारे बदन का हिस्सा है। शक्ल देखी तो गुस्सा नहीं आया, कमर देखी तो गुस्सा आ गया। क्यों क्यों आया तुम्हें गुस्सा, मैं पूछ रहा हूं, बताओ मुझे बताओ। अब तुम्हारी कमर ही नहीं पूरी बॉडी देख रहा हूं। असल में तुमने मेरे बगल में खड़े होने का हक पूरी तरह खो दिया है। तेरी तो असल में मधु मधु हो क्या? मधु 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 आई एम सो सो सॉरी। डोंट टच मधु, वो सब मैंने गलती से कर दिया। You have no right to touch this. भगवान मैं क्या करूं? ओके I'm sorry. तुमसे एक जरूरी बात करने आई थी मैं, पर वो सुनने की हालत में तुम नहीं हो और कहने का मेरा मूड भी नहीं है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी मधु। ओ बाप रे, ओ नो, आई एम सॉरी मधु। मैंने पी है इसलिए, वो कमीना बाबू मोशा मना कर रहा था फिर भी जबरदस्ती मुझे पिला कर चला गया मधु। तुम शराब पियो, दम मारो, जो चाहे करो, मुझे क्या हुआ? यू टू मी, दुनिया में कोई शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? और तुम क्यों पी रहे हो मुझे ये भी नहीं जानना है, बिल्कुल नहीं जानना। मधु। नमस्ते मैडम। अरे बाबू मोशा कमीने, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। तेरी तो अबे बाबू मोशा, मुझे बिगाड़ दिया तूने। तुम अच्छे इंसान होगी, इस गलतफहमी में मैं यहाँ आई थी, मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी महान हो ये मुझे अब पता चला। आप लेंगी? अबे मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तू कहाँ से आ गया अबे? आओ बेटा, आओ आओ बेटा, अरे तेरा सत्यानाश हो, सत्यानाश हो तेरा। बहुत संतुष्टि हो रही है मुझे तुझे ऐसे हाल में देखकर, पता नहीं मन बहुत खुश हो रहा है। आजा बेटा, आजा आजा बेटा। मतलब कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ क्या? कॉम्प्रोमाइज बेटा, ये रहने दे, चीप क्वालिटी देसी शराब। अरे अरे तो अरे क्या कर रहा है? अरे मेरी जिंदगी खराब कर दी तूने कमीने, तेरी वजह से पता नहीं और क्या क्या भुगतना पड़ेगा, पता नहीं कैसा दोस्त है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। अच्छा चल गाना गा। दिल के अरमा क्या गाना है? जो मैं बह गए दिल के अरमा। Ah!
तुमने स्टेप सीखे कि नहीं मास्टर? वो एक स्टेप तो मैं पिकअप ही नहीं कर पाया। इस लड़की का पिकअप कर सकता है, स्टेप पिकअप करना तुझसे नहीं होता। हमारे बीच की बात है, सीखना जरूरी है। कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप ये है कि चिकी चिकी झेम, चिकी चिकी झेम। इस स्टेप में सब अपना दायां पैर ऊपर उठाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप मास्टर? नेक्स्ट स्टेप ये है कि चक चक ढम, चक चक ढम। इस स्टेप में सब अपने दोनों पैर ऊपर उठाएंगे। ऐसा करेंगे तो गिर जाएंगे ना मास्टर? गिरना होगा। ये लेटेस्ट स्कूल ऑफ डांस। हाय माला। हाय मास्टर, कैसी हो? अच्छी हूँ। कैरी ऑन, बाय। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि पीछे जाने वाली लड़की माला है, ये आपको बिना पीछे मुड़े कैसे पता चला? खुशबू से बे, खुशबू से बैड खुशबू। तुझे क्या लगता है ये लोग रोज नहाते हैं? सबसे बदबू आती है। अच्छी खुशबू आ रही है कहीं से। हाय मधु, होल्ड इट। हाय मधु, आई एम कमिंग। हे मधु। हाय मास्टर, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। बड़ी खुशी की बात है। लेट्स कम टू द पॉइंट, कॉलेज का कल्चर प्रोग्राम पास में आने वाला है। रिहर्सल हमें जल्द से जल्द शुरू करनी है। सिद्धू ने हमें डांस प्रैक्टिस करने के लिए बोला है। कल से तुम सिद्धू के साथ डांस करने के लिए आओगी, ओके? नहीं मास्टर। क्यों? मैं इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लूंगी। नहीं कहा ना, छोड़ दीजिए। तो उससे क्या होता है, मैं टीम मास्टर या खाने का मास्टर नहीं हूँ, मैं डांस मास्टर हूँ। मुझे कुंफू मास्टर बनने पे मजबूर मत करो। लास्ट ईयर जब तुम दोनों ने डांस किया था तो वो सुपर हिट हुआ था। इस साल भी तुम दोनों को मिलके डांस करना मास्टर, होगा। प्लीज, मैंने कहा ना मुझे नहीं करना। ओके, इट्स ऑल राइट, बैड लक फॉर यू, गुड लक नेक्स्ट टाइम। रघु मास्टर, शुरू करते हैं हम। इस बार अनीता को सिद्धू के साथ डांस प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके मास्टर। वेस्ट ऑफ टाइम मास्टर। यस, कुछ कहा? ये अनीता कौन है? व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन यू आर आस्किंग। अनीता कौन है? कॉलेज की जान है, सुंदर हसीना है। जब से वो कॉलेज में आई है तब से कॉलेज में हलचल मची हुई है। हर स्टूडेंट उसके लिए अंधे बनने का नाटक कर रहा है। क्यों? उस लड़की की जिंदगी में एक हादसा हुआ था। उस लड़की का एक अंधा भाई हुआ करता था। एक दिन वो रोड क्रॉस कर रहा था, एक ट्रक से टकराकर उसकी मृत्यु हो गई। तब से वो लड़की कोई भी अंधा रोड क्रॉस करता है तो उसका हाथ पकड़ के उसे रोड क्रॉस करवा देती है। उसके हाथ को छूने के लिए हर एक लड़का सुल्तान बाजार से काला चश्मा खरीद कर लेकर आया है और अंधा बनकर उसके आगे पीछे घूमता है। मैं भी उसके पास ही जा रहा हूँ। उसको देख के हर लड़के का दिल धक धक करने लगता है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, बाय। Yes? मैडम, रोड क्रॉस करने में आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगी क्या? क्यों? वो क्या है कि मुझे दिखाई नहीं देता है ना। ओ बेचारे। छे, गवर्नमेंट ने कितनी छोटी सी रोड बनाई है। What? Anyway, इस अंधे की मदद करने वाली आप जैसी लड़की का दिल सच में कितना बड़ा होगा। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके, थैंक यू। एक इंच से छूट गया। छे, इस चश्मे की अब कोई जरूरत नहीं। सिद्धू, क्या है? शांति ने लेटर दिया है, जाके बाबू को दे दीजिए। ये बाबू के लिए नहीं है। मेरे लिए है? नहीं। आपके लिए? नहीं। ना आपके ना मेरे लिए, तो फिर किसके लिए? हमारे लिए है। ओह, हमारे लिए। टू मिस्टर सिद्धू एंड मिस मधु, ग्रेट। निकल ही नहीं रहा है। चिपकाने वाले ने बहुत अच्छे से चिपकाया है, ओपन करना मुश्किल है। एकदम जबरदस्त चिपका है। आप ही पढ़िए। डियर सिद्धू,
और मधु दोनों के लिए। तुम लोग जानते हो कि मैं बाबू से बहुत प्यार करती हूँ, इतना जितना मैंने इस दुनिया में किसी और से नहीं किया। क्या सारे लवर्स ऐसा ही कहते हैं, यही सोच रहे हो ना? हो सकता है कोई कुछ भी कह ले, पर प्यार तो प्यार ही है, पेन पेन ही है। प्लीज़ मुझे बाबू से एक बार मिलना है, तुम्हारी फ्रेंड शांति। अब क्या करें? शांति की तुम्हारे अलावा फातिमा नाम की फ्रेंड भी है ना? अरे बाबू संभाल के। ठीक है। 4 घंटे से फाइट करके अभी ये बंदूक रेडी की है। बेटी शांति आप बात करो, मैं जाके सो जाता हूँ। शांति ये लड़की कौन है? फातिमा की फ्रेंड फरीदा है डैडी। ओ फरीदा ने इसे पहले हमारा घर नहीं दिखाया ना बेटी? हाँ डैडी। तो फिर एक काम करो, तुम फातिमा से बातें करो, मैं फरीदा को अपना घर दिखाता हूँ। भाग जाओ डैडी प्लीज, रुक जाइए डैडी प्लीज। Thank you.
10-10 ये सिद्धू यार निजम कॉलेज का स्टूडेंट इसको तो सब बंगाल टाइगर बोलते हैं ना मधु आर यू फाइन मैन कौन हो तुम इस लड़की के क्या लगते हो मैं इस लड़की का वो जो भी हो इस लड़की को इंजेक्शन देना हेल्प करो मैं आए ए मैन वहां पे नहीं कमर पे अच्छा ठीक है नो व्हाट नहीं डॉक्टर हाथ पे दे दीजिए प्लीज ये हाथ पे नहीं कमर डॉक्टर, पे देने वाला सुनो हाथ पे दे दीजिए प्लीज हाथ पे देने वाला हाथ पे दूंगी कमर पे देने वाला कमर पे दूंगी ये कमर पे देने वाला इंजेक्शन है डॉक्टर आपको कमर के मैटर के बारे में पता नहीं है प्लीज हाथ पे दीजिए प्लीज इस कमर के मैटर के बारे में आपको कुछ पता नहीं है डॉक्टर कुछ भी नहीं पता है आपको इस कमर की वजह से कितनी प्रॉब्लम आई है डॉक्टर कितनी प्रॉब्लम आई है मुर्गे और सुअर के कारण दो परिवार जुदा हो गए ऐसा कहोगे तो मैं नहीं मानूंगा बिजली गिरने की वजह से दो साम्राज्य बर्बाद हो गए ऐसा कहोगे तो भी मैं नहीं मानूंगा डॉक्टर इन सब पर मैंने बिल्कुल भरोसा नहीं किया डॉक्टर मैंने बिल्कुल भरोसा नहीं किया पर इतनी छोटी सी कमर के कारण इतनी बड़ी समस्या आने के बाद ये कहानी सच है ये माने बिना मैं नहीं रह पाया डॉक्टर मैं नहीं रह पाया ये माने बिना ये सब आपको अगर मुझे पूरी तरह बताना है तो पूरे 2 घंटे लगेंगे डॉक्टर 2 घंटे अब प्लीज मेरी बात मानकर आप हाथ पे इंजेक्शन लगा दो डॉक्टर तुम हो या मैं हूं आप ही हैं नर्स सेंड हिम आउट ऐसा है तो ठीक है आपको जहां लगाना है वहां पे लगा दो कमर के इस तरफ लगा दो या फिर कमर के उस तरफ लगा दो आपको जहां लगाना है वहां लगा दो मुझे कुछ पता नहीं है मैं यहां से जा रहा हूं जहां पर भी देखो कमर 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 का झमेला है बस हम्म
नमस्ते सर, आपसे थोड़ी बात करनी है। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कभी आपकी अपॉइंटमेंट मिली नहीं। मैंने आपके ऑफिस में भी बहुत ट्राई किया लेकिन वहाँ पर भी मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली। क्या है साहब, कुछ तेरे जैसे लल्लू से बात करने का टाइम नहीं है। चल कट ले यहाँ से, काट काट, चल निकल। ए, जब बड़े बात कर रहे हो ना तो छोटे लोग बीच में नहीं आते, समझा ना? समझ में आया? सर वो मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे, वो सिद्धू सिद्धार्थ रॉय मैं ही हूँ। सर गुंडे भिजवा कर जान ले लोगे क्या? जान लेने वाला तो वो ऊपर अकेला ही बैठा है। सर आपसे बस दो मिनट मुझे बात करनी है, मुझे जो कहना है वो मैं कहकर निकल जाऊंगा। मना मत कीजिए प्लीज। प्लीज सर आ जाइए ना, लगता है इसका हाथ बहुत दर्द कर रहा है। सॉरी सर, वो इतना कहा फिर भी सुना नहीं। सर आई एम सिद्धू सिद्धार्थ रॉय, आप सती, सभी आपको चौधरी जी कहते हैं। कुछ नहीं सर, मैं बाबू के बारे में बात करने आया हूँ। हर इंसान मेहनत करके ऊपर तो आने वाला है ही, और आप भी अपनी जिंदगी में गरीबी से ही आज। पैसों का क्या है सर, बाबू बहुत ही अच्छा लड़का है, शांति से दिल से प्यार करता है क्योंकि उसका दिल अच्छा है। शांति आपकी बेटी बनकर जितनी खुश है, बाबू की वाइफ बनने के बाद वो खुशी 10 गुना बढ़ जाएगी। उसने जिस लड़के से प्यार किया है उसे कोई भी तकलीफ ना हो, वो संतुष्ट होगी तो उस प्रेम की खुशी दुगनी होती है। दया करके उन दोनों को मिला दीजिए सर। अभी 2 मिनट पूरे नहीं हुए हैं लेकिन मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, अब क्या करना है वो आपके हाथों में है सर। टू मिनट्स ओवर, गाड़ी निकल बे। और कुछ भी नहीं कहा क्या? 2 मिनट्स ओवर कह के चला गया। ओह, फिर बिना बोले चले गए तो उन्होंने मन में क्या सोचा होगा आपको पता है? क्या? उनके मन में क्या चल रहा होगा आपको पता है क्या? ऐसा पूछ रही हूँ। किसके मन में क्या है ये पता लगाना आता तो समस्या ही नहीं होती ना। ये पता नहीं है इसलिए तो इतनी समस्या है। इतनी समस्या मतलब? इतनी समस्या मतलब इतनी समस्या। ओके, मैं चलती हूँ। मधु, बुलाया क्या? क्या है? आपसे कुछ बात करनी है। अब तक हम लोग वही तो कर रहे थे है ना? थोड़ी पर्सनल बात करनी है। किस बारे में बात करनी है? आंखें उल्लू की तरह खुल गई हैं। किस बारे में पूछ रही हैं? किस बारे में? आप जिस बारे में समझ रही हैं उसी बारे में। मैंने कुछ नहीं सोचा, आपने ही कहा कि कुछ पर्सनल बात करनी है, वही बताने कह रही हूँ। बाय। यही कहने के लिए बुलाया था? आहा। ओके, बाय। कूल। हाय गाइस, क्लास इज ओवर, वी विल मीट टुमारो। सिद्धू तुम भी। बाय। चलो बेबी, तुम फ्री हो तो हम मूवी चलें क्या? कोने की 2 टिकट ली है मैंने। चप्पल से मारूंगी। सिद्धू, मुझे तुमसे बात करनी है। अनिता, तुम मुझसे प्यार कर सकती हो, तुम मुझसे उम्मीद रख सकती हो, चाहो तो तुम मुझे किसी भी नजर से देख भी सकती हो, पर मुझसे किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी नहीं। असल में मैं भी बोल नहीं सकता हूँ। ओह थैंक्स। नहीं अब अनिता, मेरे लिए ये सब बिल्कुल नया है। अनिता मैं सच कह रहा हूँ। सिद्धू, नो प्रॉब्लम, जितना
जितना टाइम चाहिए तुम दे सकते हो मेरे से। yes? मैं तुम्हें जरा हाथ लगा सकती हूँ कि या नो प्रॉब्लम, फील फ्री अनीता, तुम भी बहुत सुंदर हो, तुम्हारी आंख नाक कूल, आई विल शो नाइस डांस फॉर वन स्टेप टू योर राइट एंड वन स्टेप टू योर लेफ्ट, वन स्टेप योर राइट सिद्धु, या सिद्धु, या हाय मधु, व्हेन डिड यू कम, हाय, आप एक लड़की के साथ प्यार कर रहे हैं इस टेंशन में, या आप अपनी उंगली से उसके बदन पर रंगोली बना रहे हैं इस टेंशन में, डिस्टर्ब करने के लिए मैंने नहीं बुलाया। हमें 7:30 तक शांति के घर पर जाना है और 7:00 हो गए हैं। आई होप आप भूले नहीं हैं। नहीं भूला हूँ। सिद्धू, ये कौन है? तुम्हारी फ्रेंड है? नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड, नो नो। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं नहीं, मेरी लवर, नो 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 नो, नॉट एट ऑल। मेरी लवर बनने के लिए कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, अपना रेंज ही अलग है। तो फिर कौन है ये? वो लड़की जो दिख रही है ना, वो है मधु, और उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सिद्धू, shall we leave? ओके अनीता, मैं निकलता हूँ। सिद्धू। Yes. हम फिर कब मिलेंगे सिद्धू? संडे, नेक्स्ट संडे। लंच के लिए चलेंगे क्या? नो 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 नो, डिनर डिनर डिनर, 10:00 डिनर, फुल मून कैंडल लाइट में हम बहुत ही रोमांटिक डिनर करेंगे। बाय, 10:00 संडे, आई एम गोना सी यू, वी गोना लीव। सिद्धू। Yes. Not here, Anita. Very naughty. आज संडे है, होने दो, इससे मुझे क्या, 10 बज गए हैं, बचने दो मुझे क्या। अनीता, अनीता, नो नो नो, अनीता, 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 प्लीज, अनीता, हे, अनीता, 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 नो प्लीज। हेलो, बाप रे, कौन है, फोन करके बात नहीं कर रहे हो क्या? हेलो सिद्धू। हाँ अनीता, अनीता, अरे नहीं नहीं अनीता, नो अनीता, अनीता, बस बस अनीता, अनीता प्लीज, नहीं नहीं, नो, छोड़ो अनीता, नहीं, ओ नो, छोड़ो मुझे अनीता प्लीज। नो प्रॉब्लम, शांति ने क्या कहा? भूल जाने को कहा। किसे? प्यार को। किसके प्यार को? बाबू ने शांति से जो प्यार किया है उसे शांति ने मना करने को कहा है। ओ, तो फिर उस पे आपने क्या कहा? जब उसने ही मना कर दिया तो मैं क्या करूंगी? आपका क्या है, जब मन करे तो प्यार करती हो, मुश्किल हो तो छोड़ देती हो, तो सामने वाले का मन कितना दुखी होता है जानती हो? आप तो बड़े भोले बनकर बात कर रहे हैं, आपके बारे में मुझे पता नहीं है क्या? कल कितनी गहरी सांसें ले रहे थे। क्या कहा? गहरी सांसें ले रहे थे?
कल गहरी सांसें ले रहे थे या नहीं? इसमें क्या है, परसों सांस ले रहा था, उससे पहले भी ले रहा था, कुछ महीनों पहले भी ले रहा था। बचपन से मैं सांसें ही तो ले रहा हूँ, अभी भी ले रहा हूँ। मतलब गहरी सांस लेने पर भी मेरा हक नहीं है क्या? कमर देखने से मना किया, ओके। सांस गहरी लेना भी गलत है क्या? मैं अकेला ही सांस ले रहा हूँ क्या? सभी तो लेते हैं, तुम्हारे माता पिता लेते हैं, मेरे माता पिता भी लेते हैं। सांस ले लेंगे तो तुम कहाँ रहोगी, मैं कहाँ रहूंगा? और वो बेचारे जानवर भी जिंदा रहेगा, वो तो खड़े होने पर भी एक तरह से लेता है, बैठने पर भी एक तरह से लेता है, और भागने पर भी लेता है। क्यों पपी? गहरी सांसें लेने से तो हमारी सेहत बनती है, तो ये गलत कैसे हो गया बताओ? मैं जिस गहरी सांस की बात कर रही हूँ और आप जिस गहरी सांस की बात कर रहे हैं वो सब एक ही है। गहरी सांस लेना गलत है तो दुनिया में सब कुछ गलत है। अगर आप ऐसे बात करेंगे तो मैं चली जाऊंगी। I don't want to talk about it. No, we have to talk about it. About what? About love and pain. शांति ने दुख दुख प्यार प्यार कह के इतना बड़ा लेटर लिख दिया, बताओ तो इसी बारे में मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक एक करके मेरे पास आओ और मेरे गले लग जाओ। आओ गीता, आ जाओ, अपना ख्याल रखना। संगीता, आओ गले लग जाओ, तुम भी अपना ख्याल रखना। बेबी अनुपमा, आ जाओ, आराम से जाना, आराम से जाना बेबी। नेक्स्ट, छी, बाय। तुम भी इस कॉलेज को छोड़कर जा रही हो क्या बेबी? पता नहीं कितने लड़के देवदास बन जाएंगे। वैसे तुम कहती थी ना, आई लव किड्स, आई रियली लव किड्स। यस, आई रियली डू लव किड्स। उस मामले में हेल्प करने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। अरे बाबू क्या यार। सिद्धू, शांति की शादी फिक्स हो गई है 27 को, इन्विटेशन। आप क्या करेंगे? ओके, शांति कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या कहा, नजर नहीं आ रही है? देखा, वो कहीं नहीं दिख रही है। अरे बाबू, शांति के पिताजी आदमियों को लेके इसी तरफ आ रहे हैं, मैं उन्हें रोकता हूँ, तू जरा संभाल के। सिद्धू, आप नहीं होंगे तो शादी कैसे? मेरा यहाँ होना जरूरी नहीं है, शादी होना जरूरी है। सिद्धू, तुमसे बात करना ही गलत है। और भाई क्या कर रहा है? नारियल खा रहा हूँ ना। आजा। छोटू गेट खोल रहे। भाई ने मना किया है, जाओ 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 यहाँ से। अबे भाई भाई क्या होता है, गेट खोल। अरे तब भाई मुझे मारने आ रहे हैं। भाई आ गया, मेरा भाई आ गया। फकीरों की तरह दाढ़ी मूंछ बढ़ा के छोटे बच्चों को यहाँ पे डरा रहे हो क्या? ए शाणे, दिमाग का दही मत कर, चुपचाप से गेट खोल। दिमाग जिसके पास नहीं है उसका दही कैसे हो सकता है यार? ए, अपन 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 बोल रहा है, गेट खोल, नहीं तो तेरा टुकड़ा टुकड़ा करके गड्ढे में डाल देगा। अरे बाप रे, तेरी आवाज सुन के मेरा दिल धक 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 हो रहा है। तू तेरी तो, तेरी बॉडी कैसी और तेरी आवाज कैसी है, कोई संबंध ही नहीं है दोनों में, कोई मैच नहीं हो रहा है। चल फोड़ यहाँ से। नेक्स्ट। ए शाणे, कौन है बे? कौन है रे तू? ए भाई को नहीं जानता है तू? किस्मत है भाई, किस्मत। अपने बारे में खुद ही बोलना पड़ेगा, तुम शुरू हो जाओ। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुमार्त सेन, सत्यजीत रे, बागा जतीन, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी योगानंद, चारू मजुमदार एंड द वन एंड ओनली रॉयल बंगाल टाइगर सिद्धू सिद्धार्थ रॉय, वी आर ऑल फ्रॉम हमार बांग्ला। इसलिए कहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, दया करके यहाँ से निकल जाओ प्लीज। समझ में आया ना तुमको? ए, तुम सबके सब टपोरे लोग, एक गेट खोलने को नहीं होता तुमको? टाइम पास कर रहा है इधर, जाओ मारो इसको। इज्जत से कह रहा हूँ, मेरी बात सुन के यहाँ से पीछे चले जाओ, हमें तुम आगे भालो माशे नहीं तो। I know life is toxic and death is relaxing. Let me liberate your divine soul from your stinking body. मैं इसकी टांग तोड़ के आता हूँ।
चल निकाल, आवाज ठीक कर गया। समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुझ जैसों के साथ फाइट नहीं करता। समझ में आया? हाँ, गुड बॉय। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। ए बॉस, एक मिनट। मेरे पास कुछ नहीं बॉस, मेरे को नहीं लड़ना है, समझा ना बाबा? फिर काय को आया रे कमीने, घर जाके फूडी खेलना। तुम्हारे कपड़े फाड़ने वाले के लिए जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे जान की कीमत पता है और उसी वजह से मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, समझे? जो वे बच्चों को डरा रहा है। ए, मैं कौन हूँ पता है क्या? चौधरी सती, चौधरी सती। आप चौधरी सती हो या फिर कोई भी सती हो, आई डोंट केयर, बिकॉज आई एम सिद्धू सिद्धार्थ रॉय। चलिए बोलिए, इंसान की जान निकलने के लिए कितना समय लगेगा? तुम सभी को जान की कीमत पता नहीं है, तुम लोग मार काट करके खुद को दादा लीडर समझ सकते हो। कुछ देर पहले आपके हाथ की पिस्तौल अब मेरे हाथों में आ गई, आपकी तरह मैं भी तुम सबकी जान ले सकता हूँ, बट आई नो द वैल्यू ऑफ लाइफ। तुम्हारे पैसे, पावर और गुंडागर्दी इंसान की जान निकालने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, पर जान वापस लाने के लिए नहीं। सर, इससे पहले भी मैंने कहा था, अभी भी वही कह रहा हूँ मैं, बाबू समझदारी नहीं, बहुत ही अच्छा इंसान है। शांति की शादी उसके पसंद के लड़के से होगी तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हत्याओं से, झगड़े से उसे अपवित्र मत कीजिए। सर, आप बड़े हैं, ये सबसे आप अनजान नहीं हैं। एक फ्रेंडशिप के लिए मैं ये सब कर सकता हूँ, तो खुद की बेटी के लिए आप इतना नहीं कर सकते हैं? मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, अब आपकी मर्जी। उस मंदिर में जाने से पहले मुझे मार के आप आराम से उन्हें अलग कर सकते हैं। ए, तुमने अपना नाम क्या बताया? बंगाल टाइगर सिद्धार्थ रॉय। ए सिद्धू, तेरा गट्स मुझे बहुत पसंद आया, एक दोस्त के लिए तुमने जान की भी परवाह नहीं की, मतलब वो अच्छा ही होगा ये मैं मानता हूं। सिद्धो, मुझे वहां ले चलो। आशीर्वाद देना है ना? ए चोट्स। जाओ भाई, जाओ। वेलकम अंकल। अल्लाह, मुझे पता था आप पक्का बदल जाओगे, वो बंदूक दीजिए, उस बंदूक को पहले छुपा दीजिए अपने जेब में। तुम बहुत समझदार हो। हे अंकल, उर्वशी उर्वशी, टेक इट इजी, उर्वशी बिजली जैसी। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडित स्पर्शम शमश्वमेव। बेटा चिंता मत करो, मुहूर्त का टाइम हो गया है, मंगलसूत्र बांधो। हरिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदमं भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। I'm so happy for you. ठीक है बाबू। बाय बाय। टेक केयर। बाय। बाय बंधु। बाय शांति। बाय। बाय बाय। बाय बंगाल टाइगर। बाय चौधरी साहब। बाय। 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 बाय।
सो थैंक्स मेरे फ्रेंड बाबू को उसके लवर के साथ मिलाने के लिए. आपका बहुत बहुत थैंक्स. आपको भी थैंक्स मेरे फ्रेंड को उसके प्यार से मिलवाने के लिए. आपने बहुत हेल्प की हमारी. उसके लिए आपको भी थैंक्स. थैंक्स 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 थैंक यू. मैडम चले गए. कहाँ चले गए? रेलवे स्टेशन. कौन सी ट्रेन? फलकनुमा एक्सप्रेस. हाय हाय मधु. मधु तो चली गई. कहाँ चली गई? सिकंदराबाद गौतमी एक्सप्रेस से. ओह गौतमी एक्सप्रेस 127
मधु नाम की कोई लड़की आई क्या? आधे तक तय थे, कोई भी नहीं आया। ठीक है, दे दिया था, कोई गल। अरे ये फिर से क्यों आ गया?
परेशान करते हो मुझे। रुक जाओ, ठीक से खड़े रहो। सुनिए तो, सुनिए ना, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? हाँ, क्या है बोलो, सुनाई दे रहा है? आइए ना, इस बिच्छू को देखिए, कपड़े नहीं पहनाने दे रहा। अरे क्या हुआ? आपकी तरह बुद्धि है। ए, क्या कह रही हो? ये देखो, टॉवल निकालने को कहा तो निकाल नहीं रही है, सब तुम्हारे जैसे हैं। What? ये सब मेरे जैसे हैं? क्या कहा तुमने? अरे क्यों नहीं कहूंगा, 100 बार कहूंगा। अगर मुझ पे जरा भी अकल नहीं है तो मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी आपको? बदनसीबी, मेरी बदनसीबी। गांव जाने से पहले फ्लाइट से हमारे गांव पहुंच गए, मेरे डैडी को मना कर। अरे क्या हुआ? आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। ऐसा की तरह चिल्ला रही हो? ऐसा कहकर तुम रो रही हो? वही मुझसे गलती हो गई। मुझसे शादी करने के लिए तुम ही मेरे पीछे पड़े थे ना? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी वो। 10 साल मेरे साथ जीकर इतने सारे बच्चे पैदा करके अब कह रहे हो कि मुझ में अकल नहीं है। ऐसा था तो मुझसे शादी ही क्यों की तुमने? बोलो ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या बक रही हो तुमसे? क्या बक रही हो? अरे बस बस करो, बस करो, बहुत हो गया। It's your mistake. कुछ सालों से देख रहा हूँ, जब देखो बस बकती रहती है। ठीक है, अब बस करोगी क्या? टाइम हो रहा है, अब बस हो। टाइम हो रहा है, अब चलो यहाँ से जाओ। ए विद्या। डैडी सर, सर 10 सालों में 17 बच्चों को पैदा करके गिरी सुन में आपने अपना नाम लिखवा दिया, इसके बारे में आप दो शब्द कहेंगे सर प्लीज? हाँ, वो बात यह है कि हम दोनों जब कॉलेज में थे तभी हमेशा झगड़ा करते थे, जब देखो तब झगड़ा। फाइनली एक दिन भगवान के लिखे गए लकीरों के कारण हम साथ हो गए, उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एवरी टाइम इट वॉज डबल इम्पैक्ट। ऐसे ही ट्विंस, डबल बच्चे पैदा हुए। कमला, विमला, रवि, कवि, शांति, दमयंती, अजय, विजय, पप्पू, शर्मा रही क्या? पप्पू, गणेश, दिनेश, महेश, राधेश्याम, शामू, छोटू, मोटू, ऐसी 8 बार में 17 बच्चे पैदा हो गए। 17 बच्चे? हाँ, यकीन नहीं हो रहा है क्या? ओ गॉड, 8 बार के हिसाब से 16 बच्चे हुए ना सर? हाँ, एक बार देखा जाए तो 3 triplets, पप्पू, सिप्पी, वो सिप्पी। तीसरे का नाम क्या है? मैं भी समवेयर अराउंड देयर मस्ट बी समवेयर। हाँ, सच में बहुत अच्छा लग रहा है इतने बच्चों का बाप हूँ। इट्स सच अ वंडरफुल फीलिंग हैविंग सो मेनी किड्स। I feel somebody out there likes me. I'm really grateful to God for giving me an opportunity to enter the Guinness Book of World Record. Thank you so much. बहुत अच्छा लग रहा है।